हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग रिव्यूज़ एंड क्यूज़ में। दोस्तों, एक बार फिर से लेटेस्ट वैकेंसी आपके लिए हम लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, लेटेस्ट वैकेंसी यहां पर होने वाली है। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी दोस्तों, तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के अपडेट आपको मिलती रहे और हम न्यू न्यू वैकेंसीज़ के अपडेट आपके लिए लेकर आते रहें, तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। सो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है नर्सिंग रिव्यूज़ एंड क्यूज़ को, तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि दोस्तों सभी नोटिफिकेशन के अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसके अलावा दोस्तों, हमारे एक और YouTube चैनल है जिसका नाम है मेडी स्टडी IQ। दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ देख सकते हैं आप इम्पोर्टेंट वीडियोस मेडिसिन से रिलेटेड आपको हम डालते हैं। यहाँ इमरजेंसी ड्रग से रिलेटेड वीडियो डाला गया है, दवा यानी कि जो मेडिसिन से, उनमें IP, BP और USB का क्या मतलब होता है यहाँ पर लिखा गया है। IV कैनुला का पूरा डिटेल में वीडियो बनाया गया है दोस्तों, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, आज की जो वैकेंसी है वो होने वाली है नेशनल हेल्थ मिशन महाराष्ट्र आरोग्य विभाग से वैकेंसी है। पब्लिश द जॉब नोटिफिकेशन फॉर मेडिकल ऑफिसर, हेल्थ नर्स, फार्मासिस्ट, ANM एंड लैब टेक्नीशियन विद 19-1 वैकेंसी। तो यहाँ पर टोटल 91 वैकेंसी होने वाली है, जिसमें मेडिकल ऑफिसर्स की 8 पोस्ट है, जिसमें MBBS मांगा गया है। हेड नर्स फीमेल की और मेल की यहाँ पर अलग अलग पोस्ट डिवाइड की गई है। 23 फीमेल और 2 मेल यहाँ पर आवश्यकता है, जिसमें BSc नर्सिंग और GNM दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फार्मासिस्ट की यहाँ पर 7 पोस्ट होने वाली है, जिसमें डी फार्मा और बी फार्मा वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ANM की यहाँ पर 36 वैकेंसी होने वाली है, जिसमें 10th पास एंड ANM दोनों अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर लैब टेक्नीशियन की भी यहाँ पर 15 पोस्ट दी गई है, जिसमें BSc विद DMLT मांगा गया है। मिनिमम एज यहाँ पर 21 ईयर्स और मैक्सिमम 65 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आपका इंटरव्यू या रिटर्न टेस्ट होने वाला है। इसके बाद दोस्तों, आपको यहां पर एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होगी, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए 200 है और रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 100 रुपीज़ है। विजिट आपको यहां पर आरोग्य विभाग महाराष्ट्र की NHM की साइट पर जाना होगा। वहां पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्टर्ड कर भरना होगा। इसके बाद दोस्तों, उसकी हार्ड कॉपी आपको सबमिट करानी होगी, जो कि यहाँ पर एड्रेस दिया गया है, डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ एंड सर्विस मुंबई डिवीज़न, थाने रीजनल साइकेट्रिक हॉस्पिटल थाने। दोस्तों, यहाँ पर 15 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आपके लिए डेट नज़दीक है दोस्तों। अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो ज़रूर अप्लाई करें। नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन लिंक आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन कर लें। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों, हमारा टेलीग्राम चैनल यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पर 2.7K सब्सक्राइबर हैं। और दोस्तों, यहाँ पर यदि आपको इनके इस यूट्यूब से नोटिफिकेशन नहीं प्राप्त होता है तो सभी वीडियो के अपडेट हम इस चैनल पर डालते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, सभी नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर अभी लेटेस्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं, जिपमर से नोटिफिकेशन आया है, जो कि हमने डाल दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन हम डालते हैं, साथ में कभी कभी क्यूज के क्वेश्चन भी डालते रहते हैं। तो इम्पोर्टेंट अपडेट के लिए दोस्तों, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें।